जी तो अब हम पढ़ेंगे हेक्सोजीज में फ्रुक्टोज को। फ्रुक्टोज क्या है बेसिकली देखना है इसको हम एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर भी, फ्रुक्टोज हम कहते हैं जी ये एक मोनोसेक्राइड है और ये ट्राई सॉरी हेक्सोजीज में आता है। इसका जनरल केमिकल फार्मूला देखा जाए C6H12O6 होता है इसका फार्मूला। अगर इसके अंदर देखा जाए ग्रुप कौन सा मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं ये एक कीटो शुगर है। कीटो शुगर का मतलब क्या है कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें ये कंटेन कर रहा है किटोनिक ग्रुप जो है ये कंटेन कर रहा है, किटोनिक ग्रुप जो है वो कंटेन कर रहे हैं। अब कीटोनिक ग्रुप है तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया, 6 कार्बन हमने ड्रा कर लेने, 6 कार्बन ड्रा कर लिए, नंबरिंग कर लेनी है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन ड्रा कर लिए, नंबरिंग कर ली। पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आपको पता है, कीटोनिक ग्रुप के अंदर फंक्शनल जो ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या होती है, कार्बन नंबर 2 पे होती है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे OH लगा देना है बाकियों के साथ, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना है, बाकियों के साथ क्या लगाना है OH लगाना है। कार्बन नंबर 3 का OH ऑपोजिट साइड पे, बाकियों का इधर वाली साइड पे। बाकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा देते हैं इसके साथ, ये हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। किसका है? लीनियर स्ट्रक्चर फ्रुक्टोज का। अब फ्रुक्टोज जो है बेसिकली फ्रुक्टोज क्या करती है, फ्रुक्टोज जो है ये रिंग स्ट्रक्चर बनाती है। क्या बनाती है? रिंग स्ट्रक्चर बनाती है जब इसको सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर रिंग स्ट्रक्चर बनाती है, उस रिंग स्ट्रक्चर को हम, फ्रुक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। क्या कहते हैं इसके रिंग स्ट्रक्चर को? फ्रुक्टोफ्यूरानोज। फ्रुक्टो का मतलब फ्रुक्टोज, फ्रुक्टो का मतलब क्या है, फ्रुक्टोज है, और फ्यूरानोज का मतलब क्या है, 5 कॉर्नर रिंग। याद रखना है कि जो फ्रुक्टोज है वो कौन सी, कितने कॉर्नर रिंग बनाती है, 5 कॉर्नर रिंग बनाती है। ठीक है, 5 कॉर्नर क्यों बनाती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप, इसमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है, इस वजह से ये 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बनाती है। उसका रिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है, ऑक्सीजन लगा लेनी है उसके साथ, 2 बॉन्ड्स खींच लिए, कार्बन, ये हमारे पास 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, 1 कार्बन इधर लगा देना है, 1 कार्बन इधर लगा लेना है। नंबरिंग स्टार्ट करनी है हमेशा राइट साइड से, डी फॉर्म में नंबरिंग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करनी है। ठीक है, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ हमने CH2OH लगा देना है, CH2OH लगा देना है। जो कार्बन नंबर 2 है इसको हम फंक्शनल कार्बन कह रहे हैं, क्यों, इट कंटेन फंक्शनल ग्रुप, ये कंटेन कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को। ग्लूकोज के अंदर हमने कार्बन नंबर 1 को कहा था फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल कार्बन कार्बन नंबर 1 को कहा था ग्लूकोज में, लेकिन यहाँ पे हम कार्बन 2 को कह रहे हैं, क्योंकि कार्बन 2 जो है वो कंटेन कर रहा है फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ कार्बन 2 को डिस्कस करना है। OH यहाँ पे लग गया, HOH। ठीक है, यहाँ पे सॉरी कार्बन नंबर 3 का OH जो है वो ऑपोजिट साइड पे लगाना है। ठीक है, कार्बन नंबर 4 का वैसे ही, कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम कहते हैं फ्रुक्टोफ्यूरानोज। कार्बन नंबर 1 पे CH2OH लगाया, कार्बन नंबर 2 पे ये अटैच है, साथ में OH आ गया, कार्बन नंबर 3 पे OH, H, कार्बन नंबर 4 पे HOH, कार्बन नंबर 5 का जो OH था वो इसके साथ बॉन्ड बना लिया उसने, कार्बन 5 ने ऑक्सीजन के जरिए इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और हाइड्रोजन जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे आ गया इसके साथ। ठीक है, CH2OH वैसे ही आ गया। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया फ्रुक्टोफ्यूरानोज। फ्रुक्टोफ्यूरानोज जो है याद रखना है ये भी एग्जिस्ट करती है, ये इसकी रिंग फॉर्म जो है ये भी एग्जिस्ट करती है टू फॉर्म्स में। कौन कौन सी, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है उसको, ग्लूकोज के लिहाज से अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। ठीक है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म,
ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब अल्फा फॉर्म में क्या डिफरेंस है, भाई हमने फंक्शनल कार्बन को लेना है, फंक्शनल कार्बन के अलावा हमने किसी और को डिस्कस नहीं करना, ठीक है। कार्बन नंबर टू फंक्शनल कार्बन है, यहाँ पे हमने पोजीशन चेक करनी है हाइड्रोक्सल ग्रुप की। अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप फेस कर रहा है डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड मौजूद है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप फेसिंग डाउनवर्ड, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास अल्फा अल्फा फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई, अल्फा फॉर्म। और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप कहाँ, कौन से कार्बन पे है, याद रखना है कार्बन टू पे, कार्बन टू पे जो है ये मौजूद है, ठीक है। अगर ये नीचे को है तो अल्फा फॉर्म होगी, अगर ये ऊपर को है, ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप फेसिंग अवर्ड ऊपर की तरफ मौजूद है, जैसे कि इसको अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से रेज करके ऊपर लिख देता हूँ, तो ये हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर चला गया, CH2OH नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर फेस कर रहा है, अपवर्ड फेसिंग कर रहा है, तो ये बीटा फॉर्म है। अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पे हो और ये यहाँ पे हो तो ये अल्फा फॉर्म है। ये एग्जाम के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब हम देखते हैं फ्रुक्टोज जो है ये कहाँ पे पाई जाती है। फ्रुक्टोज जो है एक हमारे पास डाइसैकेराइड है जिसको हम सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज बेसिकली दो जो है मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और ये दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। दो मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं, एक हमारे पास ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है। तो फ्रुक्टोज जो है बेसिकली कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इन द सुक्रोज। सुक्रोज हम टेबल शुगर को भी कहते हैं, ठीक है, जो हम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सुक्रोज एक और जगह पे प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स हैं बेसिकली उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है किस शक्ल में, सुक्रोज की शक्ल में, ठीक है। फ्रुक्टोज को अपने साथ बाइंड कर लेती है और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट या ट्रांसपोर्ट डाइसैकेराइड कहलाता है उनके अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया सबको।